नमस्कार, मैं हूं दीप शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं जो भोपाल से आ रही है। आज से एमएसपी पर होगी सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदेगी चना, मसूर और सरसों। तो खरीद आज से शुरू हो रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार 31 मई तक ये खरीदेगी इंदौर उज्जैन में। 25 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए आज से मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की रबी की जो 3 फसलें हैं उनकी खरीदी आज से खरीदी केंद्रों पर शुरू हो जाएगी। और सरकार जो समर्थन मूल्य दे रही है उस समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने इंदौर उज्जैन के लिए भी तारीखें तय कर दी हैं। 25 मार्च से गेहूं की खरीदी उज्जैन और इंदौर में शुरू हो जाएगी क्योंकि इन इलाकों में बोवनी जल्दी हो जाती है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल से गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू हो जाएगी। लेकिन आज किसानों के लिए अहम दिन है। जो रजिस्ट्रेशन फसल की बिक्री के लिए किए गए थे, किसानों से अपील की जा रही है कि उन रजिस्ट्रेशन नंबर पर जो मोबाइल नंबर थे उन पर मैसेज आएगा। इसके बाद किसानों को अपनी जो चना, मसूर, सरसों की फसल है वो लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंचना है और खरीदी के बाद उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कृषि विभाग ने की हैं। बिल्कुल, अगर एमएसपी के रेट की बात करें तो चना, मसूर और सरसों किस रेट पर बिकेगा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए चना, मसूर और सरसों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं, लेकिन सरकार जो इन पर समर्थन मूल्य दे रही है वो चना पर 80 रुपए, मसूर पर 60 रुपए और सरसों पर 200 रुपए समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य के साथ ही तमाम केंद्रों पर खरीदी होगी। कब तक खरीद होगी ब्रजेश? तो इसके लिए 15 अप्रैल तक का समय निश्चित किया गया है ये 3 फसलों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कई इलाकों में लेट कटाई होती है इन तीनों फसलों की और उसके लिए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी आज से लेकर 15 अप्रैल तक ये तीनों फसलों की खरीदारी शुरू होगी। ठीक है ब्रजेश।